माने आपके पास पैसे हैं तो आप लेने जाएंगे, तो गुरु से अगर प्रेम है तो कैसा फल लेंगे? गले हुए सड़े हुए केले उठाओगे क्या? क्या अच्छा वाला फल उठाओगे? अब अगर आप अच्छा वाला फल गुरु को देना चाहते हो, आप गुरुद्वारे जा रहे हो, आप मंदिर जा रहे हो, आप वहां के लिए कुछ भोग प्रसाद लेना चाहते हो, तो खराब बिगड़ा हुआ लोगे कि आप अच्छा वाला लोगे? क्योंकि वो प्रसाद तो वापस तुम्ही को मिलना है, तो आप खराब क्यों चढ़ाओगे? क्योंकि खाओगे तो तुम ही उसको। वो मंदिर में श्री विग्रह थोड़ी खाएगा, ये तो भावना है, तुम रखोगे उठा लोगे, मिलेगा तो तुम ही को, खाओगे तो तुम ही प्रसाद रूप से। बोले कैसा फल? कच्चा चढ़ाओगे? नहीं। गला हुआ चढ़ाओगे? नहीं। कैसा चढ़ाओगे? जो अच्छा हो, जो पका हुआ हो, जो देखने में अच्छा हो, जो सुंदर हो। आप ऐसा फल जो है वो आप अपने मंदिर या गुरु के सन्मुख लेकर के जाओगे। तो कहते थे बालपने का जो फल है ना जीवन का, ये जो बच्चा होता है जब, बोले कच्चा होता है, उसे बुद्धि नहीं होती है, उसे समझ नहीं होती है, तो ये कच्चा फल है। तो ये कच्चा फल माने ये अवस्था किसी काम की नहीं है अभी। अच्छा, जो शरीर बूढ़ा हो गया, अब बूढ़े शरीर के साथ आप कहो हम ईश्वर आराधना साधना करें सेवा करें तो मुश्किल है, होगी नहीं। वो तो जमीन से उठने के लिए दो बंदे चाहिए, और इस हॉल में भी पीछे सीटिंग बनवाई कि बुजुर्ग है, किसी का नी रिप्लेस है, वो जमीन में बैठ ही नहीं सकता है, तो चलो ये बनवाया, ये रखी कि सब लोग जो जिन्हें आवश्यकता है वो बैठ सके। कई बार मैं देखती हूँ कि वो जगह भर जाती है, कम पड़ जाती है, तो फिर मुझे लगता है कि एक लाइन और बढ़ा दो बेंचेस की कि लोग उसमें बैठ सके। मतलब एक सुझाव दे रही हूँ, बात से बात निकल रही है। पहले ना सबके चौके जमीन पर होते थे, चूल्हा अंगीठी स्टोव नीचे जमीन में होता था, तो नीचे जमीन में अब ऊपर शेल्फ में डब्बे है, चीनी आटा डाले है, मसाले है, तो पकाने वाली माँ दिन में कितनी बार चौकी छोड़ के खड़ी होती थी, डब्बा लिया फिर बैठ गई, फिर उठी फिर डब्बा लिया फिर नीचे बैठी। तो जिसको आजकल आप एक्सरसाइज में सिटअप्स कह रहे हो या स्क्वैटिंग कह रहे हो, ये हमारी भारत देश की गृहणियाँ दिन में 100 बार कर लेती थी, राइट? 100 बार जो दिन में सिट डाउन एंड स्टैंड अप कर सकता है, उसको किसी जिम की जरूरत कहां है? फिर आ गई आपकी मॉडर्न रसोई, अंग्रेजों की देखा देखी, सबने शेल्फ बनवा लिए। अब क्या है, वो जो सिट अप्स हो रहे थे, स्क्वैटिंग जो हो रही थी वो खत्म हो गई। वॉशिंग मशीन आ गई, तो वो जमीन में बैठ के जो पटड़े में हाथ से जो कपड़े धोते थे, वो थप्पी नहीं मुझे लॉजिक आज तक समझ लगी, वो कपड़े कूटते क्यों थे? तो कपड़े कूटे, और कभी कभी फिर बच्चे भी कूटे जाते थे उसी से, कई के तो घर वाले भी कूटते थे उसी से। अब वो स्क्वैटिंग पोजीशन में बैठ के या चौकी पटड़े में बैठ के जमीन में वो कपड़े धो रही है, पानी से निकालती है, फिर तार में डालती है, तो देखिए कितनी बढ़िया ये एक्सरसाइज हो जाती थी। तो जमीन में बैठ के अब कपड़े नहीं धोते, जमीन में बैठ के अब चौकानी बनता, सब हो गए अंग्रेज पुत्र, आज सब काम खड़े खड़े। ख्याल करना, हमारे तो शौच भी बैठ के होता था, अभी शौच भी कुर्सी पोज में चला गया। और यही कारण है कि आज लोगों को कॉन्स्टिपेशन की सबसे ज्यादा शिकायत है, क्योंकि मतलब तुम्हारे यहाँ ना सब चीज वो अच्छी जो गोरों के यहाँ से आए, तो आजकल सारे गोरों ने, मैं अभी अमेरिका में थी, उसके पहले इंग्लैंड में थी, सब घरों में मैं देखती हूँ है तो वेस्टर्न सीट, लेकिन उसके आगे उन्होंने पैर टिकाने वाले पेडेस्टल बना लिए हैं, उस पेडेस्टल पे काइंड ऑफ स्क्वाटिंग पोजिशन में वो अपने आप को निवृत्त करते हैं। और हमारे यहाँ शुरू से एशियन कंट्रीज में, जापान, टोक्यो, कोरिया, आज भी थाईलैंड, आज भी उनके घरों में आप जाएंगे तो आपको स्क्वैटिंग टॉयलेट्स मिलते हैं, वेस्टर्न सीट्स नहीं मिलती। पर ये जो वेस्टर्न सीट आई,
तो आपका वो जो जमीन में बैठना था वो भी गया. तो उसके बाद फिर क्या है? फिर तो घुटने जाम हैं और हिप्स खराब हैं. फिर हिप रिप्लेस कराओ और नी रिप्लेस कराओ. और एक दफे हिप नी रिप्लेस हो गई तो फिर तो भूल जाओ जमीन पे बैठना. इसलिए एक सुझाव है, अगर तुम्हें ठीक लगे तो, अपनी ना रसोइयों को वापिस वही जमीन वाली बनाइए. गैस यूज करते हो, क्या हो गया? गैस जमीन में रखिए. और ये जो इतने बार उठेंगे बैठेंगे उठेंगे बैठेंगे, अच्छा फिर ये इसके ऊपर भी एक शोध हुआ कि अगर आप जमीन में बैठ के ऐसे चौकड़ी लगा के आलथी पालथी लगा के अगर आप भोजन करते हैं, हाँ तो देखिए ये भोजन करने के लिए ऐसे आपको मुंह में डालना है तो आगे झुकना पड़ेगा. आपका पाचन तंत्र ज्यादा अच्छा चलता है जब आप सीधे बैठते हैं चौकड़ी में और ऐसे हाथ से खाते हैं. अब आप कुर्सी मेज में बैठ जाओ तो अब आप आगे नहीं झुकेंगे, क्या होगा? यही है चम्मच, यहीं से यहीं आ जाएगा. और यहां वो टाइट बेल्ट बंधी है तो ये अननेचुरल पोजीशन आपके सिस्टम के लिए भी हो जाती. देखिए सब संस्कृतियों में कुछ चीजें बहुत अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं कि पश्चिम की हर चीज गलत होती है. पर ये जो हमारी भारतीय पद्धति है, मुझे किसी ने दिखाया था जब मैं वाशिंगटन में थी एक वीडियो की, एक गोरा दिखा रहा है हाउ आई ईट इन अ योगिक वे एंड ही वाज सिटिंग डाउन एंड ईटिंग विद हिज हैंड और मिलियंस ऑफ व्यूज उसको जा चुके थे. सब लोग कह रहे वाह वाह क्या बढ़िया है ये यौगिक तरीका, हमारे देश के तो सभी लोग ऐसे ही खाते थे. तो वो अब उनको सिखा रहा है, यूरोप में ये चीज सिखाई जा रही है, योगा स्टूडियोज में ये चीज खिलाई जा रही, सिखाई जा रही कि जमीन में बैठ के चौकड़ी लगा के खाइए. देखो वो समझदार हो रहे, तुम यही रहोगे कि कुछ बदलोगे तुम भी अपने आप को. तो पाचन तंत्र की दृष्टि से, खाने की दृष्टि से अच्छी बात है अगर जमीन में बैठ के खाए तो. तो बूढ़ा आदमी शरीर से असमर्थ होने लग जाता है, हड्डियां काम नहीं करती हैं, जॉइंट्स काम नहीं करते हैं, शरीर को कष्ट हो जाता है. तो अब ये बुढ़ापे का जो फल है, क्या ये ईश्वर को समर्पित करने लायक समय होगा क्या? तो कहते थे, महात्मा कहते थे, बचपना ईश्वर के लिए नहीं है, बुढ़ापे का सड़क गला खराब टेढ़ा मेढ़ा फल हो चुका ये भी ईश्वर के लिए नहीं है. ईश्वर के लिए क्या अवस्था है? तुम्हारी जवानी ही ईश्वर को देने लायक. तो अगर गुरु की सेवा में जाना है तो जवानी में जाओ जब सब अच्छा है. बच्चा है तो बुद्धू है, बेवकूफ है, अभी अकल नहीं, शिक्षा नहीं है. जो बूढ़ा हो जाता है तो शरीर ही नहीं चलता, सेवा क्या करेगा? तो फिर बेस्ट टाइम कौन सा है? यही टाइम है. और अपने शरीर का भी उम्र वही थी, 13-14 साल, तो लगता था बस यही है समय जो ईश्वर को अब दे देना है, अब ईश्वर के लिए ही जीना है, साधना ही करनी है, संत संग ही करना, और कुछ करना ही नहीं. क्योंकि भगवान को हम गला सड़ा फल नहीं दे सकते, भगवान को हम कच्चा फल नहीं दे सकते, हम रसदार और अच्छा फल दे सकते हैं. ऐसे बालपन और बुढ़ापा नहीं, वो जवानी है, ये ईश्वर के लिए रसदार है, ऊर्जापूर्ण है, शक्तिपूर्ण है, ये दे देनी चाहिए. मेरे दिल में बड़ी बैठ गई थी बात. और कभी कभी वो हंसते भी थे, कहते जब पार कर जाओ 50 तो कर लेना शादी, क्योंकि सड़ा फल दुनिया के लिए ठीक है, अच्छा फल जो है ना वो ईश्वर के लिए रखो, गुरु के लिए रखो. बोले 50 के हो जाए तो कर लेना. मैंने वो व्यंग करते थे, मजाक करते थे, बांति बांति के रंग लिए, कर करत जीवन की गाथ, ये काल कितने कितने ढंग से, रोज दिन की मौत हो जाती है, रोज रात की मौत सुबह में हो जाती है. दिन ढल जाता है जैसे जीवन ढल जाता है, ऐसे भी रात ढल जाती है जैसे जीवन मौत में ढल जाता है.
तो ये भी काल का एक खेल है जो तुम्हारी आंखों के सामने होता है, पर इस मरते हुए दिन को देख के वैराग्य नहीं होता और खत्म होती रात को देख के भी मन में कोई वैराग्य नहीं होता। ये काल का खेल है तुम्हारे आंखों के सामने। पत्ते झड़ जाते हैं, ये पीले पीले पत्ते झड़ जाते हैं। इस सुबह में जब यहाँ आश्रम में या किसी बाग बगीचे में आप अगर जाएं तो ढेरों पत्ते पीले जो सुशोभित थे वृक्ष पर उसका मुकुट बनकर, वो नीचे जमीन में गिरे होते, लोगों के पैरों में आ रहे होते। उन गिरे हुए पीले पत्तों को देख के भी तुम्हें काल का ध्यान नहीं आता है कि काल एक दिन तुम्हारी देह को भी ऐसे ही रसहीन कर देगा, शोभाहीन कर देगा, शक्तिहीन कर देगा। और जैसे पत्ते पड़े हैं फिर जमीन पर, ऐसे फिर ये शरीर जो है ये जमीन में पड़ जाए। सोचने की बात है कि जब कोई मरता है तो उसके देह को जमीन में क्यों लटा देते हैं, क्या कारण? भाई ऐसे ही है, जैसे वृक्ष से पत्ता टूटा, रसहीन हुआ तो फिर जमीन पर ही लिटा है वो। ऐसे ही जब इस शरीर से प्राण ऊर्जा चली जाती है तो फिर ये देह किसी कुर्सी किसी आसन पे बैठने योग्य कहाँ रह जाता, फिर तो ये भूमि पे उस पत्ते की न्याई लटाने के योग्य ही रह जाता। इसमें मैं एक और बात जोड़ती हूँ कि जैसे किसी मुर्दा का अंत्येष्टि हो और शमशान में जाए तो फिर उसके बाद लोग स्नान जरूर करते हैं। एक ने कहा ये स्नान क्यों करते हैं? देखो, आपके शरीर से जो भी मल निकलता है, चाहे आप अपने नाखून काटो तो उसके बाद हाथ धोते हो, मल मूत्र करो, शरीर से त्यागा है मल मूत्र, उसको आप अच्छा कहते हो कि गंदा कहते हो? अब आप गंदा क्यों कह रहे हो? आप क्या अपने आप को गंदा कह रहे हो? तुम्हारे शरीर में ही तो था ना वो मल मूत्र। पर शरीर से बाहर जाते ही वो अशुचि हो जाता है, बुरा हो जाता है, अस्पर्श हो जाता है, और छू जाए अपने ही शरीर से निकले हुए मल मूत्र पे हाथ लग जाए तो साबुन से तुम 10 बार हाथ धोते हो, गंदा हो गया। तो जो मल मूत्र नाखून बाल सिर से जो बाल निकले वो हो, या अंगली से आपने नाखून काटे वो हो, चाहे मल मूत्र हो, जो कुछ भी शरीर से त्यागा गया वो अस्पर्श हो जाता है। क्यों? वो मृत हो चुका है। जब तक नाखून यहां ही बढ़ते हैं, नाखून काट दिए तो भी बढ़ते हैं क्या? बाल जब तक शरीर में लगे हैं तो बढ़ते हैं, पर बाल आपका शरीर से अलग हो गया तो भी बढ़ेगा क्या? ये मृत हो चुका है। तो जो चीज मृत हो चुकी उस मृत वस्तु को स्पर्श अगर हम करते हैं तो हम फिर हाथ धोते हैं। मेडिकली भी ये जरूरी है, करना भी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अब जिस शरीर से प्राण ही पूरा निकल गया, अब वो पूरा ही शरीर अस्पृश्य हो गया। अब उस प्राणहीन अस्पृश्य शरीर को अगर आपने छुआ है, स्नान कराया, मुर्दे का अग्नि दी है, उसकी यात्रा में गए हैं, तो फिर कहा बाद में तुम खुद स्नान करो। क्यों? आपने उसको स्पर्श किया है जो अब मृत हो चुका है। मृत माने प्राणहीन हो गया। आप थोड़ा ध्यान देना कि तुम्हारे आसपास के बहुत सी चीजें ऐसी नहीं होती है जो प्राणहीन हो जाती हैं। आप उसका क्या करते हो? केले गल गए, क्या करोगे? अब फेंकोगे? आपकी सब्जी में पनीर में फफूंदी उग गई, फफूंदी उग गई, अब क्या करोगे? फेंक दोगे? दही बिगड़ गई, खराब हो गई, क्या करोगे? फेंक दोगे? जो चीज मृत हो गई उसका हम उपयोग नहीं करते। अच्छा, आप कोई पैक्ड सामान खरीदते हो तो उसके ऊपर भी एक्सपायरी डेट, टोमेटो सॉस हो या कोई और जैम हो या जेली हो, तो उसके ऊपर भी लिखा रहता है कि इस महीने इस साल में यह चीज खत्म है। अच्छा, ऐसे ही एक्सपायरी डेट आपकी दवा के ऊपर भी लिखा रहता है कि नहीं? आप कोई बिस्किट कोई और ऐसा खाने का सामान लो या दवाई लो, उस पर भी उसका एक्सपायरी डेट होता है।
एक्सपायरी डेट के बाद कहते दवा फेंक दो, अब ये जहर हो गई, एक्सपायरी डेट निकल गई और फिर भी आपने वो खाने की चीज़ को खा लिया तो शरीर में रोग हो जाएगा। असंभव है, कभी कभी तो बहुत पॉइजनस हो जाता है, बड़ी विकट स्थिति हो सकती है। तो आपके आसपास आप देखेंगे तो मृत्यु का ही तो खेल चल रहा है। सर जो कहती भांति भांति के रंग लिए कर करत जीवन की घात, जीवन पर घात कर रहा है काल, घात कर रहा है नहीं, वो एक बड़ा नवीन शब्द देती है, होरी खेल ही, काल होरी खेल रहा है। बूढ़ा बाला कछु न देखे, देखे दिन नहीं रात। बूढ़े को भी मौत आती है, बालक को नहीं आती क्या? हमारे दिल्ली में एक प्रेमी थे, उनके लड़के को थैलेसीमिया था। थैलेसीमिया मेजर, पहले 3 महीने में खून चढ़ता था, फिर 2 में, फिर महीने में, फिर हर 15 दिन में, फिर ऐसा समय आ गया हर हफ्ते में, फिर ऐसा समय आया हर 3रे दिन। तो रात को उसके पेट पे आयरन निकालने के लिए, क्योंकि इतना जब जाएगा शरीर उतने आयरन को संभाल नहीं पाता, तो आयरन निकालना पड़ता है, तो उसके पेट में रात भर पंप लगता था। तो वो जब मुझे मिलता तो वो कहता था बहुत दर्द होती है, पापा को बोलो पंप न लगाए। अब वो लगाना जरूरी है, अब उसको बार बार खून चढ़ना है, बार बार हॉस्पिटल जाना है, बार बार ये उसके इतनी मोटी जो नीडल लगती थी, फिर वो 3 घंटा 4 घंटा जब तक पूरा ट्रांसफ्यूशन नहीं हो जाए वो हॉस्पिटल पे रहता। लेकिन मुझे मिलने के बाद मैं ये समझती हूँ कि आला माँ बाप बहुत प्यार करते थे, खिलौने, टेलीफोन, क्या क्या, मोबाइल फ़ोन पहला आया तो उस बच्चे को लेके दिया, जो मांगे वो देते थे, माँ बाप हैं, प्यार करते हैं। फिर जब उसको मुझसे परिवार मिला तो वो मेरे से बड़ा प्रेम करने लग गया। फिर वो अगर अपने लिए घड़ी लेगा तो मेरे लिए भी लेगा, फिर वो अपने लिए कोई चीज़ लेगा तो बाप को बोलेगा नहीं उनके लिए भी लो, मुझे गुरु माँ को देना है। हर 3रे दिन 4थे दिन अपने पिता को बोलते थे मुझे उन्हें मिलाओ। तो दिल्ली में जब कुछ साल रही हूँ जब, तो वो मिलने आ जाता, हर 3रे 4थे दिन फोन आता था बेटा मिलना चाहो, मैं कि इसको मैं मना कर ही नहीं सकती, ऐसा रोग है बच्चे को, और मुझे मिलके वो खुश हो जाता है, अच्छा आ जाओ जो चाहे। फिर एक दिन उसने मेरे से कहा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ठीक हो जाऊं, क्या आप आशीर्वाद नहीं दे सकते मुझको मैं ठीक हो जाऊं। बाप को नहीं बोला उसने, मुझे कहा मैं अभी मरना नहीं चाहता, क्योंकि उसको सुन रहा था उसके आसपास कई मरीज बच्चे जो थे मर गए थे।